हमारी नगर पालिका अध्यक्षगण, सभी नगर पंचायत के अध्यक्षगण और सभी हमारे पार्षदगण, सभी हमारे संगठन से जुड़े हुए सब साथीगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस, एनएसवाई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, मछुआ कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सब हमारे पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी साथियों, आदरणीय साथियों, जब वार्ड का रिजल्ट आया तब आप लोगों ने वार्ड में जश्न मनाया। जब आप नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के अध्यक्ष और महापौर के रूप में जीते तो आपने शहर में, अपने नगर में आपने जश्न मनाया। और जब पूरा रिजल्ट आया 60% नगर पंचायत में, 75% नगर पालिका में और 100% नगर निगम में आप जीते हैं तो आप रायपुर के राजधानी बन सकते हैं। इसका श्रेय निश्चित रूप से हमारे मैदानी कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को जाता है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को जाता है, प्रदेश के पदाधिकारियों को जाता है, आदरणीय भाई मोहन मरकाम जो हमारे संगठन के मुखिया है उनको जाता है, हमारे तमाम मंत्रिमंडल के सब साथी हैं, विधायक साथी हैं, पूर्व विधायक हैं, इन सबको श्रेय जाता है। और सबसे अधिक श्रेय किसी को जाता है? आदरणीय पुनिया जी को जाता है, जिसके मार्गदर्शन में हम सब लोग ये चुनाव लड़े हैं। आदरणीय साथियों, जीत जितनी बड़ी है अपेक्षा भी उतनी अधिक है, तो जिम्मेदारी के एहसास भी अधिक होना चाहिए। हम लोग जश्न मना चुके, बधाइयां दे चुके और आपने जो मेहनत की है उसकी गूंज न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही अकेला राज्य है जहां 100% नगर निगम में चुनाव जीते हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां एक पार्टी 100% नगर निगम जीते। ये रिकॉर्ड आपने बनाया है। अब आपकी जिम्मेदारी भी बहुत अधिक है। बहुत सारे साथी अनेक बार चुनाव जीते हैं, कोई 7-8 बार जीते, कोई 5 बार जीते, कोई 4 बार, 3 बार, 2 बार, पहली बार जीत के भी बहुत सारे हमारे भाई बहन आए हैं। उनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने मतदाताओं के बीच रहें। जैसे महाराज साहब ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ना आसान है, विधानसभा चुनाव थोड़ा उससे कठिन, लेकिन सबसे कठिन कोई चुनाव है तो वार्ड का चुनाव। इसमें आप जीत के आए हैं, सबसे कठिन चुनाव जीत के आए हैं। और आदरणीय ताम्रध्वज भी एक सियान की सीख आपने सुन लिया, बहुत सारे रिश्तेदार बन जाएंगे जिसको आप पहचानते भी नहीं, तो उससे आपको बचना है। आदरणीय साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने वार्ड में जो बच्चों के खेलकूद की व्यवस्था, आपके साफ सफाई की व्यवस्था, पर्यावरण के सुधार, वृक्षारोपण, पानी के, जल के स्रोतों का संवर्धन, ये सब आपको काम करना है। आज राजनीति बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा हो चुकी है, इतना अधिक कि आप जैसे कहते हैं ना, सड़क में चलते नजरें हटी और दुर्घटना घटी, तो वैसी है राजनीति भी। जहां आप नजर से ओझल हुए तो जनता आपको भी राजनीतिक दृष्टि से ओझल कर देती है। इसलिए सतत सक्रियता बनाए रखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। जनता के लिए समय सीमा में जो पब्लिक सर्विस के काम है उसे आपको पूरा कराना है। और जब जितने आप सक्रियता से काम करेंगे, लोगों को काम करेंगे, पार्टी का भी आधार उतना अधिक गहरा होगा, उतना अधिक मजबूत होगा। आदरणीय साथियों, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं,
शासन की योजनाओं का अध्ययन आप करें, उसकी जानकारी हो, ताकि अपने वार्ड के जो हितग्राही है उस तक की सही बात पहुंच सके, उसका लाभ मिल सके। और जब आप किसी हितग्राही के को लाभान्वित करते हैं, किसी गरीब के आंसू पोंछने का काम करते हैं, किसी मरीज को आप इलाज कराने का काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा संतुष्टि आपको होती है जब उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। ये काम आपको करना है और सतत करते रहना है। मैं आप सबको और बहुत ज्यादा और नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि योजनाओं की जानकारी आपको होना चाहिए, उसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। आप ही के आप सबसे मजबूत आधार पार्टी के और संगठन के हैं। आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपके जिस प्रकार से व्यवहार होगा, जिस प्रकार से आचरण होगा, पार्टी की भी छवि उसी प्रकार की बनेगी। इस बात को जरूर आप ध्यान में रखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार की छवि भी आपके ही हाथों निर्भर है, इसलिए मैंने कहा आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारी योजनाओं को आपको क्रियान्वित करना है। मैं और बात न कहते हुए कुछ बातें साधन की योजनाओं के बारे में आप सबको जानकारी है, आपको लेना है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के साथियों ने आपको जिताने में बड़ी मदद की। गांव गांव से आपके रिश्तेदार आके, आपके साथी आके आपको चुनाव में जिताने का काम किए थे। अब जो चुनाव है वो सरपंच का चुनाव है, जनपद का चुनाव है, पंच का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, उसमें भी अपने साथियों को मदद करेगा। समय है, यहां जाने के बाद उस काम में जीते। जैसे रिकॉर्ड आपने नगरी निकाय में बनाया है, उसी प्रकार से हमारे जो समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने में आप मदद करें, मैं ये आप सबसे अपेक्षा करता हूं। आदरणीय साथियों, आज जहां छत्तीसगढ़ में ट्राइबल डांस फेस्टिवल किया, छत्तीसगढ़ का नाम हुआ है, और उसी प्रकार से यूथ फेस्टिवल का आयोजन हमने किया, पूरे प्रदेश के हजारों हजार नौजवान और युवती यहाँ रायपुर में आए थे और उन्होंने 3 दिन तक एक कार्यक्रम किया और उन लोगों को जोड़ने का काम आपने किया है। आदरणीय साथियों, एक तरफ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी, छत्तीसगढ़ की सरकार लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, वहीं दिल्ली में बैठी हुई सरकार लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। हमको इस बात को समझना है, आज जो स्थिति है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, आदरणीय पुनिया जी आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बात की तरफ इशारा मैं करना चाहूंगा। 5 साल जो पिछला बीता वो नरेंद्र मोदी जी का समय था, जिसमें उन्होंने नोटबंदी की, जिसमें उन्होंने GST लागू किया। ये जो 7-8 महीना बीता है ये अमित शाह का है, जिन्होंने 370 लागू किया, 35A लागू किया, CAB का प्रस्ताव लोकसभा में रखा, CAA का कानून बना, NPR उन्होंने लागू करने की बात कही, NCR लागू करने की बात, NRC लागू करने की बात कही। ये तो दोनों मिलके ना पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेजी सिखाने का काम कर रहे हैं। ये जो समय है वो अमित शाह जी का, गृहमंत्री का है। 5 साल उन्होंने तकलीफ दी, अब ये 7 महीने में जितनी तकलीफ दी, लोग सड़क में आ चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव के समय पुलवामा की घटना घटी थी, जिसमें 40 हमारे जवान शहीद हुए थे, पूरा देश उठ खड़ा हुआ था, और उस समय हमने एक सवाल किया था कि जिस सड़क पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें 350 किलो RDX लेके पहुंचा कैसे, उसी गाड़ी को टक्कर कैसे मारी जो बख्तर बंद नहीं था, बुलेट प्रूफ नहीं था। और सवाल हमने ये भी किया था, आज इसकी जांच क्यों नहीं हुई। मैं ये सवाल अभी भी चाहता हूं, हमारे 44 जवान 40 जवान शहीद हुए,
लेकिन भारत सरकार ने कोई जांच नहीं कराई। आखिर जिम्मेदार कौन है? अभी जिस प्रकार से डीएसपी पकड़ाया देवेंद्र, ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि वही देवेंद्र है जो पुलवामा के घटना समय वहां पदस्थ था। ये वही देवेंद्र है जो अफजल गुरु को पहुंचाने का काम, दिल्ली पहुंचाने का काम किया है। ये सारी जानकारी क्षण क्षण के आ रही है। सवाल इस बात का है कि आज देश में जो बातें हो रही है, अमित शाह जी कहते हैं ये क्रोनोलॉजी है, CAA, NPR, NRC, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कोई NRC लागू होने वाला नहीं है। सवाल इस बात का है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे वो सही है, गृह मंत्री जी कह रहे वो सही है। लगता तो ये है ये दोनों के बीच में मन उड़ा हो चुका है और उसके कारण से पूरा देश पीट रहा है। इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। आज देश में महंगाई है, देश में मंदी है, देश में बेरोजगारी है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन चर्चा नागरिकता की हो रही है। आप भारत के नागरिक हैं, ये सवाल ही आपको सबसे बड़ा अपमान करने वाला है। मुझे कहे मैं भारत के नागरिक को प्रमाणित करो, इससे ज्यादा मेरे लिए दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। ये कहते हैं कि आपके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ, ये पूछते हैं कि आपके माता पिता की जन्मतिथि क्या है। कितने लोग बता सकते हैं उसके माता पिता की जन्मतिथि क्या है? मेरे प्रदेश में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इसका मतलब उसके पास जमीन नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसके माता पिता कम पढ़े लिखे थे या नहीं निरक्षर थे। तो जब उसके पास जमीन ही नहीं है, जब वो स्कूल ही नहीं गए हैं, तो प्रमाणित कैसे करेंगे? और नहीं होगा तो ये लोग एहसान करेंगे कि हाँ भाई आप फिर आवेदन दो। तुम तो हिंदुस्तानी बना रहे। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, ये नागरिकता का सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आसाम में हुआ, आसाम में फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके परिवार उतार दिया कि आपसे प्रमाणित नहीं कर पाए, आप इस देश के नागरिक नहीं है। जो कारगिल में लड़ाई लड़ा उस जवान को कहते हैं कि आप नागरिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, वो भी देश का नागरिक नहीं है। पहले फैसला तो वहां आसाम का कर लो, फिर देश में करना। और आज टंकन त्रुटि बहुत हो रहा, और टंकन त्रुटि में यदि भाजपा के नेताओं का नाम गायब हो गया तब प्रिंटिंग मिस्टेक हो जा रहा है। टंकन त्रुटि मतलब बाबू तो है, बाबू ने कहकर रब लिख दिया, तो फिर आप देश के नागरिक नहीं है। बाबू क्या कह रहे कि आप देश के नागरिक है नहीं। इस सवाल को आपको समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह कर रहे हैं, इसे सचेत रहने की आवश्यकता है। इस कानून को समझिए, आपको केवल दिशा भ्रम करने की कोशिश कर रहे हैं।